गर्ल्स हॉस्टल का रूम है और जो 4 करोड़ रुपया इसमें रखे तो वो रख लीजिए, या फिर जो महादेव गुरु कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे हॉस्टल सीरीज के दूसरे एपिसोड में। तो दोस्तों देखिए, आज के एपिसोड में हम आपको दूसरा हॉस्टल दिखाने वाले हैं और इस हॉस्टल में हम आपको ये दिखाने वाले हैं। देखिए ये भी गर्ल्स हॉस्टल होने वाला है, तो इस गर्ल्स हॉस्टल, ये दूसरा गर्ल्स हॉस्टल है और इसमें कैसे लड़कियां रहती हैं, इसमें कितने रूम्स मिलेंगे, क्या फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं, सारा चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बनारस में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते तैयारी करते हैं या फिर रहते हैं और उनको हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है। तो फिलहाल देखिए ये जो मेरी सीरीज चल रही है, अभी जो मैं दुर्गा कुंड में जितने भी हॉस्टल्स हैं लगभग उनको कवर कर रहा हूँ, ठीक है, कि दुर्गा कुंड में जो हॉस्टल्स हैं तो उनमें क्या सुविधाएँ हैं और कैसे हॉस्टल्स हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप हॉस्टल खोज रहे हैं या फिर हॉस्टल देख रहे हैं तो आप जो है हमारे चैनल से बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है आपको बनारस में लगभग जितने भी हॉस्टल्स हैं सारा कवर होने वाले हैं। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल चलिए चलते हैं इस हॉस्टल के अंदर और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ हैं, कैसे लोग रहते हैं वो सारा आपको दिखा। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको रिसेप्शन काउंटर है जहाँ पर आप आकर बात कर सकते हैं अगर आपको हॉस्टल की रिक्वायरमेंट वगैरह होगी तो। फिलहाल मैं आपको इसमें नंबर भी दे दूंगा जहाँ से आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके बगल में अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 वॉशरूम है, ठीक है। इसके जस्ट इधर भी देखेंगे तो यहाँ भी वॉशरूम है, यानी टोटल आपको लगभग जो है 5-6 वॉशरूम है, 6 लैट्रिन बाथरूम है, ठीक है। तो ये बाथरूम है अलग से है, यानी इसमें आप स्नान कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखते हैं तो ये आपका वॉशरूम हो गया, मैं लाइट जलक दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको यहाँ नोट डाउन करना पड़ेगा कि आप कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कब आ रहे हैं, वो भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। देखिएगा तो ये गलियारा है और यहाँ से आप रूम में जा सकते हैं। ये कुछ ऐसा आपको रूम देखने को मिलेगा, ये आपका गर्ल्स हॉस्टल का रूम है और ये 3 सीटर है जिसमें आपको 3 चौकी मिल जाएगी, ठीक है। यानी इसमें 3 लड़कियां जो आराम से रह सकती हैं। और इसके साथ आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 आपको अलमारी मिल जाती है, एक तरह से कहते कवर्ड हो जाता है, जिसमें आप अपने सिक्योरिटी की जो भी चीज़ें रखना चाहते हैं, प्राइवेसी वाली सेफ, तो इसमें आप रख सकते हैं। चाहे आप 2-4 करोड़ रुपया इसमें रखें तो वो रख लीजिए, या फिर जो भी आपका कुछ हो तो वो इसमें सिक्योरिटी के साथ रख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको देखिए 2 रैक मिल जाता है, एक रैक ये हो गया, एक रैक ये हो गया, जिस पे आप अपने सामान वगैरह रख सकते हैं या फिर किताब कॉपी जूता मोजा जो भी आप रखना चाहें ये रख सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी बच्चों ने रखा हुआ है, ठीक है, ये है। और ये खिड़कियाँ हैं तो वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, और बेड है यहाँ पर, पढ़ाई लोग कर रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर देखेंगे तो बालकनी है, तो आप बालकनी का भी आनंद उठा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार का, अगर आप बोर और हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत बाहर जहाँ झुक सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा सीन आपको बाहर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ है और भी रूम मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका वॉशरूम मैंने दिखाई दिया है, यहाँ पर 2 वॉशरूम आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको इधर भी आपका वॉशरूम है, यहाँ पर आपको वाटर कूलर भी लगा हुआ है, तो अगर आप गर्मी में ठंडा पानी पीना चाहते हैं तो ठंडा पानी की भी सुविधा है। और यहाँ पर आपका आर ओ वाटर है तो आप आर ओ वाटर से पानी पी सकते हैं, यानी हर फ्लोर पर जो है यहाँ पर जो है आर ओ वाटर लगा हुआ है। ये कुछ नियम और शर्तें हैं जिसको आप पढ़ लीजिएगा। सभी विद्यार्थी समय से भोजन नाश्ता करें, रूम से निकलते समय बिजली बंद कर दें, रात 10 बजे के बाद दूसरे के रूम में नहीं जाएँ। तो ये कुछ लिस्ट है, पढ़ लीजिएगा। एक अलमारी है वो जनरल अलमारी है, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आपको ये दिखा देते हैं, इसके जस्ट बगल में यहाँ भी रूम है, यहाँ 3 रूम है। हर यहाँ पर जी इस हॉस्टल में जितने भी रूम्स अवेलेबल हैं वो 3-3 के सेट में है, ठीक है। तो आप देखिए 1, 2, 3 यानी 3 बेड है, ठीक है। और आपका ये जो स्टडी टेबल है ये भी आपको 3 मिल जाएगा, बस आप डिमांड करिएगा कि हमको भी चाहिए, आंटी तो आंटी देंगी, ठीक है। ये आपका 3 वो मैंने आपको बताया है कि वो लॉकर आपका 3 लॉकर हो गया, और ये 3 जो मैंने आपको रैक बताया था वो 3 आपको रैक भी मिल जाएगा, तो आप अपने सामान वगैरह इस पर जो है रख सकते हैं। सारे रूम्स में आप देख लीजिए टाइल्स लगे हुए हैं, पंखा लगा। तो इसके बगल में आप जो रूम देख रहे हैं ये 2 सीटर रूम है, यानी 2 लोग इसमें आराम से रह सकता है, 1 रूम 1 बेड 2 बेड, यानी 2 बेड यहाँ पर है, अलमारी भी आपका है, लॉकर भी है, 2 लॉकर आपको हर रूम में मैंने आपको दिखा दिया कि मिल रहा है, तो आप अपना सामान इसमें आराम से रख सकते हैं। साथ में आपको यहाँ 2 स्टडी टेबल भी मिल जाएगा, एक स्टडी टेबल 2, और बाकी अक्सर आजकल तो लड़कियाँ जो है खुद का वो टेबल रखी रहती हैं तो उस पर पढ़ती हैं, इसको क्या बोलते हैं जरा कमेंट करके बताना।
और ये आपका रैक हो गया जिसपे आप अपने कापी किताब सामान वगैरह रख सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आप देखिएगा तो ये भी ट्रिपल सीटर है, यहाँ पर भी तीन चौकी लगी हुई है, तीन लोग आप आराम से रख सकते हैं। जो लड़के कंफर्टेबल होती हैं वो चौकी सटा सटा के रहती हैं, जो नहीं होती हैं वो दूर दूर कर लेती हैं, कहती हैं हम नहीं रहते साथ में, हमारा अलग करा। तीन लॉकर देखिए इसमें भी मिल जाएगा, एक दो तीन, तो ये सबका पर बेड के हिसाब से एक लॉकर उनका एक लॉकर उनका ऐसे हो जाता है। ये आपका रैक हो गया जिस पर आप कॉपी किताब वगैरह रख सकते हैं। बहुत लोग दो रैक रखते हैं, बहुत लोग तीन रैक रखते हैं, अब वो आप कैसे कंफर्ट रखते हैं, कैसे रखना चाहें उस हिसाब से रख सकते हैं। बस कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको ये एक बेड दी जा रही है तो वो उस बेड के साथ सारी सुविधा आपको दी जाएगी। तो गुरु देखिए ये हॉस्टल सीरीज का हमारा दूसरा वीडियो है। हाँ तो देखिए ये था हमारे हॉस्टल सीरीज का दूसरा वीडियो, और मैं केवल आपको हॉस्टल घुमा के दिखा रहा हूँ, कदापि ये मैं ये नहीं करता हूँ, मैं जो दिखा दिया वो आप हॉस्टल ले लीजिए। आपको अगर देखने में ठीक लगता है, अच्छा लगता है, तो आप भी आइए, विजिट करिए, देखिए, पसंद करिए कि कैसा है, क्या चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही है, वो सारा चीज़ें देखिए। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर आप आके वार्डन से बात करके हॉस्टल ले सकते हैं। अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, मैं आपको नंबर स्क्रीन पर चला दे रहा हूँ, इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं इनका नंबर आपको भेज दूंगा, आप इनके यहाँ जाके विजिट करके देख लीजिएगा, पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है हॉस्टल्स घुमा कर दिखाना, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर हम खाने की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर खाने में क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं, वो भी बहुत लोग का रहता है कि क्या क्या खाने मिलेगा। तो ये देखिए आपको खाने, इसका जगह है सोनिका पार्क, कबीर नगर, दुर्गा कुंड, वाराणसी लोकेशन है, ठीक है। और खाने में देखिए हर रोज़ अलग अलग आइटम आपको मिल जाएंगे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को क्या क्या आपको खाने को मिलेगा, वो सारा जो है आपको इसमें। तो दोस्तों देखिए एक रूम ये भी है, इसमें भी बच्चे रहते हैं, ये डबल सीटर है, इसमें दो बेड लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पर दो बेड लगे हुए हैं इसमें आप रह सकते हैं। साथ में यहाँ पर कवर्ड आपको मिल जाएगा तो इसमें आप सामान रख सकते हैं, और ये आपका दो लॉकर मिल जाएगा तो इसमें आप अपने सिक्योरिटी वाले पर्पस वाले सामान रख सकते हैं। ये देख के कहा जा सकता है कि छात्र जीवन इतना आसान नहीं होता, छात्र जीवन में कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है भाई, स्ट्रगल लाइफ है, क्या करेंगे। देखिए पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, सब पढ़ भी रहे थे फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ। ये है गुरु आपका छत, यहाँ पर आप आकर आराम से फ़ोन पे टुक 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 जितने बातें करना चाहें उससे कर सकते हैं। बहुत लोग किससे किससे बातें करता है वो भी मैं जानता हूँ, खैर। और यहाँ पर आप अपने कपड़े वगैरह भी डाल सकते हैं धूप में ताकि आपके कपड़े अच्छे से सूख सकें, तो ये भी सुविधा यहाँ पर है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया बॉयज़ हॉस्टल का भी दिखाइए, तो मैं बॉयज़ हॉस्टल भी दिखाऊँगा, फिलहाल तो मैं अपना गर्ल्स दिखा रहा हूँ, गर्ल्स बॉयज दोनों मिक्स करके आपको दिखाते रहूँगा। तो आपको मैंने पूरा हॉस्टल घुमा के दिखा दिया कि हॉस्टल कैसा दिखता है और क्या क्या यहाँ पर आपको सुविधाएं मिल रही हैं, वो सारा मैंने आपको बता दिया। अगर मैं चार्जेस की बात कर देता हूँ कि चार्जेस भी बच्चे पूछेंगे कि चार्ज क्या है, तो देखिए जो ट्रिपल सीटर थे यानी जो एक रूम में जो तीन लड़कियाँ रहती हैं तो उनके जो चार्ज हैं 7,500, और जो डबल सीटर हैं उनके चार्ज हैं 8,500, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से आके बात कर लीजिएगा, तो ऐसा नहीं होता है कि किसी हॉस्टल का ये चार्ज है तो उससे कम नहीं होता है, कम होता है, तो आप बात कर लीजिएगा क्या कितना दे पाएंगे, क्या नहीं दे पाएंगे, अपने हिसाब से यहाँ कर आप आके बात कर लीजिएगा कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो ये था हमारा हॉस्टल सीरीज का दूसरा वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरा हॉस्टल घुमा के दिखा दिया, सब कुछ समझा दिया। तो अगर अच्छा लगे तो इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आप डायरेक्टली हमको मैसेज कर दीजिएगा कि ये हॉस्टल का वीडियो मैंने भैया देखा है, ये हॉस्टल के वार्डन का नंबर दे दीजिए, मैं आपको नंबर देकर अपना आप यहाँ पर आके बात कर लीजिएगा कि रूम लेना है नहीं लेना है, देख लीजिएगा, पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरा हॉस्टल दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, हर हर महादेव।